नमस्कार दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों यदि आप लोगों ने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों कई लोगों को ड्राइविंग पसंदीदा शौक होता है, लेकिन कई बार सड़कें इतनी खतरनाक होती है कि ड्राइविंग में जान भी जाने का डर लगा रहता है। आज हम आपको पड़ोसी देश पाकिस्तान की खतरनाक सड़कों के बारे में बता रहे हैं, जिन पर गुजरते समय जरा सी चूक भी भारी पड़ सकती है। दोस्तों फेरी मेडोज रोड, करीब 16.2 किलोमीटर लंबी सड़क गिलगित बाल्टिस्तान प्रांत के नंगा पर्वत पर बनी है। पहाड़ से अक्सर चट्टानों और पत्थर के टुकड़े गिरते रहने के कारण इस पर पक्की सड़क नहीं बन सकी। इस सड़क से सिर्फ बाइक्स जीप कारी गुजरती है, जिसे एक्सपर्ट ड्राइवर चलाते हैं। बारिश के दौरान यह सड़क बंद कर दी जाती है। पाकिस्तान में इसे रोड ऑफ डेथ कहा जाता है। दुनिया भर से यहाँ माउंटेनियर फोटोग्राफी के लिए पहुँचते हैं, लेकिन ड्राइविंग की परमिशन यहाँ के सर्टिफाइड ड्राइवर्स के लिए ही है। काराकोरम हाईवे, पाकिस्तान के काराकोरम पहाड़ पर बना यह हाईवे जितना खूबसूरत है उतना खतरनाक भी। करीब 1300 किलोमीटर का यह हाईवे पाकिस्तान को सड़क मार्ग से चीन से जोड़ता है। हाईवे का निर्माण चीन की मदद से 1959 में शुरू हुआ था, जिसे बनने में करीब 7 साल का समय लगा। इसे पाकिस्तान चीन का फ्रेंडशिप हाईवे भी कहा जाता है। पाकिस्तान मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इस हाईवे के निर्माण में करीब 1000 मजदूरों की जान गई, जिसमें 200 चीनी और 800 पाकिस्तानी थे। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस में स्थित यह सड़क 28.8 किलोमीटर लंबी है। सड़क हजारा सिटी से दर्जनों गांवों को जोड़ने का एकमात्र रास्ता है। यह टूरिस्ट के भी काफी पसंदीदा जगह है, क्योंकि पहाड़ पर एक हिल स्टेशन है जिसे नाथिया गली के नाम से जाना जाता है। हालांकि बारिश और ठंड के मौसम में यहां से गुजरना काफी खतरनाक होता है, क्योंकि बारिश में सड़क पर कीचड़ जम जाती है और वहीं ठंड में पूरा इलाका कोहरे से ढका होता है। ग्राउंड ट्रक रोड, यह साउथ एशिया के सबसे लंबे खतरनाक हाईवे हैं। घार माउंटेन से गुजरने वाला करीब 2500 किलोमीटर लंबा इस हाईवे को सड़क के आजम के नाम से भी जाना जाता है। हाईवे पाकिस्तान को अफगानिस्तान के अलावा इंडिया की बाघा बॉर्डर से भी जोड़ता है। यह पाकिस्तान के सबसे व्यस्त हाईवे में से एक है। ट्रैफिक घुमावदार और उतार चढ़ाव वाली सड़कों के चलते यहाँ से गाड़ियाँ 30 किलोमीटर की स्पीड से भी कम में चलाई जाती है। यहाँ से अधिकतर ट्रक गुजरते हैं, जिसके चलते अब यह ग्राउंड ट्रक रोड के नाम से फेमस है। अली मलिक मार पास, करीब 4082 किलोमीटर लंबा यह हाईवे काराकोरम और हिमालय के कुछ हिस्सों से गुजरता है। गिलगित बाल्टिस्तान प्रांत के पूरे हिस्से को कवर करने वाला यह सड़क अधिकतर जगह कच्ची है। वहीं ठंड के मौसम में खासतौर पर नवंबर से जनवरी तक हाईवे का अधिकतर हिस्सा बर्फ से ढक जाता है, जिसके चलते कई हिस्सों से संपर्क टूट जाता है। बुर्जिल पास, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से शुरू होने वाली यह सड़क गिलगित तक जाती है। भारत पाकिस्तान के बंटवारे से पहले यह करीब 367 किलोमीटर लंबी सड़क कच्ची थी। पाकिस्तान के अलग होने के बाद यह पाकिस्तान के लिए महत्वपूर्ण सड़क बनी, जिसका निर्माण तेजी से करवाया गया। करीब 100 किलोमीटर लंबी सड़क हिमालय माउंटेन से लगी हुई है, जिसके चलते यह बहुत खतरनाक भी है। घुमावदार और उतार चढ़ाव वाली इस सड़क का अधिकतर हिस्सा साल में करीब 6 महीने बर्फ से ढका रहता है, जिस पर से गुजरना काफी खतरनाक भरा होता है। चारों तरफ हरियाली से घिरी यह पाकिस्तान की सबसे खूबसूरत सड़कों में से एक है। एस्टोर वैली रोड, करीब 115 किलोमीटर लंबी यह सड़क पाकिस्तान की एस्टोर डिस्ट्रिक्ट में है, जिसे एस्टोर वैली रोड के नाम से भी जाना जाता है। सड़क काराकोरम पर्वत से शुरू होकर एस्टोर डिस्ट्रिक्ट तक जाती है, जो काराकोरम के गांवों को एस्टोर डिस्ट्रिक्ट से जोड़ने का एकमात्र रास्ता है। ठंड में एक बर्फबारी के चलते अधिकतर समय सड़क मार्ग बंद रहता है। वहीं इसका बीच का 25 किलोमीटर का रास्ता इतना खतरनाक है कि इसे पार करने में ही 2 से 2.5 घंटे का समय लग जाता है। इस पर सिर्फ छोटी गाड़ियों को ही जाने की परमिशन है। इसके लिए भी यहाँ के ट्रेन ड्राइवर्स की मदद लेनी होती है। बोलन पास, पाकिस्तान के बलूचिस्तान से अफगानिस्तान बॉर्डर तक जाने वाली यह सड़क 120 किलोमीटर लंबी है। रोड बोलन माउंटेन से गुजरता है, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई करीब 1793 मीटर है। जकोबाबाद और सिब्बी से क्वेटा सिटी को जोड़ने का यह एकमात्र जरिया है। घुमावदार और उतार चढ़ाव वाली इस सड़क का अधिकतर हिस्सा खतरे से भरा है। सबसे खराब स्थिति बारिश में होती है, क्योंकि पहाड़ से कई झरने सीधे सड़क पर गिरते हैं। इस दौरान पहाड़ से पत्थर भी गिरते हैं, जो ड्राइवर्स के लिए परीक्षा की घड़ी होते हैं। बाबूसर पास, करीब 80 किलोमीटर लंबी यह सड़क पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस के मानसेहरा जिले में स्थित एक पहाड़ी दर्रा है, जो कागान घाटी को पाक अधिकृत कश्मीर के गिलगित बल्टिस्तान क्षेत्र के चिलास शहर से जोड़ती है। पहाड़ी दर्रे पर बनी सड़क खतरनाक उतार चढ़ाव से भरी है, इसके चलते इसे पार करने में 2.5 से 3 घंटे का समय लग जाता है। धन्यवाद दोस्तों, यदि आपको हमारे द्वारा बताई गई जानकारी पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई वीडियो में।